तीन बलून पाए और इन बलून से हमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। इन बलून को हम यहाँ पर रखेंगे। बलून जो है एक ईयर के माफिकी के हल्का होता है, तो हम देखेंगे यहाँ सच में कोई स्प्रिट या कोई आत्मा है क्या। अगर किसी ने अगर ये बलून हिलाया इसका मतलब यहाँ पर कोई आत्मा है। हम उनको बुलाने की कोशिश करेंगे अगर यहाँ पर कोई भी हुआ तो, ठीक है। अगर ये बलून हिला तो सोचिए कि यहाँ पर आत्मा है। वैसे देखिए आपको पेड़ दिखाने, जितने पेड़ पर हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, ठीक है। और पहले बलून रखते हैं, चलो कैमरा चलना भाई। देखिए तीन बलून रख दिए हमने, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहे अभी, तो बलून देख के आपको लग गया होगा यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा पीछे चलेगा, यहाँ पर अगर कोई भी स्प्रिट या आत्मा है तो क्या वो इन बलून को हिला सकती है? तो कोई भी स्प्रिट या आत्मा देखिए दोस्तों, हमने खाली भी तो नाम ही लिया, वो हिलना चालू हो गया इनका। क्या आप इनको अलग अलग कर सकते हो? क्या आप इनको तीनों को अलग अलग कर सकते हो? हमने जैसे बोला कि आप बलून को हिला के दिखाएं, सबने बलून हिलाने लग गए। तो अभी भी हिल रहा है, हम तीनों को अलग अलग कर सकते हैं बलून को। और हिला, वापस हिला, वापस हिला, वापस हिला। तीनों बलून वैसे अलग अलग हो गए। तीनों को एकदम पकड़ सकते हो उनको? देखिए आसपास मेरे कोई नहीं भाई साहब, मेरे आसपास कोई भी आदमी नहीं है। मैं और मेरे कैमरामैन और इसलिए कोई नहीं होता। क्या तीनों बलून को अलग कर सकते हो आप? अगर आपके अंदर इतनी ताकत होगी ना इनको बलून को अलग अलग करने के लिए, कोई भी है तो इन बलून को अलग अलग करके दिखाएं। क्या कोई है? रात के भी 12 से प्लस हो गया, मतलब 12:15 12:30 बज रहा है। चारों साइड देखेंगे तो अंधेरा है और कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आपको। क्या कोई है यहाँ पे? तीनों बलून को अलग कर देते हैं। क्या कोई है जो बलून को अलग अलग कर देते? मैं आपको दिखा दूँ जो तीनों को हिला हिला। देखिए मैं जैसे बोलता हूँ बलून हिलने चालू हो जाते हैं, अलग अलग करने के लिए बोलता हूँ तो अलग अलग नहीं हो रहे। क्या इनको अलग अलग कर सकते हो आप? पकड़ सकते हो? ये तीनों बलून जो है ना बंधे हुए नहीं, अलग अलग ही में रखे हुए और सटा के रखे हुए, ठीक है। देखना ये अगर आपको भूत या प्रेत आत्मा होगी तो तीनों बलून को अलग अलग कर देंगे। अलग अलग कर सकते हो आप? रेली बलून हिल रहे हैं, कभी एक अलग होता है दो चुपक जाते हैं, दो चुपक जाते हैं, चुपक जाते हैं। हवा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चल रही है, सच बता दो। वापस तीनों चिपक गए। ये गया सच में भाई साहब, दूसरा भी गया, हिला दिया वापस से। देखिए ऐसा लग रहा कुछ खेल रहा है, तीनों बलून अलग अलग कर दिए। सच में यहाँ पे कोई है, तीनों बलून को अलग अलग कर दिए। अच्छा तुमको जोड़ सकते हो जैसे आपने इनको अलग अलग किया है, क्या इनको अच्छा जोड़ सकते हो? तीनों बलून को इच्छा इकट्ठा कर सकते हो?
हमने जैसे बलून फूट गया, फूट गया, किसी ने बलून फोड़ दिया। सभी दो बलून बचे। नाराज हो गए मेरे को लग रहा है। पेड़ की आवाज आ रही है और भी कीड़े मकोड़ों की आवाज आ रही है। हमने तीन बलून एक साथ रखे थे। हमने जब किसी को बोला कि वो भूत के आत्मा है तो बलून को हिला के दिखाए। थोड़ी देर के बाद उसने बलून लगे और चल हुए बलून हिले। हमने बोला कि तीनों बलून को अलग अलग कर सकता है। तो थोड़ी देर के बाद उन बलून को अलग अलग भी किया गया। और हमने बोला कि तीन बलून को इकट्ठा कर सकते हो आप। इकट्ठा तो नहीं किया तो एक तोड़ दिया। देखिए ये बलून एक अभी भी मेरे पास ही आ रहा है। एक उधर है तो मेरे पास ही इकट्ठा हो रहा है। क्या कहते क्या दोनों को बिल्कुल अलग कर सकते हैं? दोनों साथ ही निकल रहे। देखिए मैं कोई एडिटिंग नहीं है। देखिए दोनों बलून एक साथ जा रहे हैं। अब अलग हो गया। ये नहीं कह सकते क्या है, क्यों है, कैसे। एक ही जगह अगर हवा चलती ना तो बलून अलग अलग बिखर जाते, अलग अलग दिशा में चले जाते। वो एक साथ ही जा रहे हैं। बलून को जाके एक बार ट्राई करते हैं, दोनों को बांध देते हैं। ठीक है देखते हैं। तो आप लोग कहोगे कि एक बलून उड़ जा उड़ सकता है। दोनों को बांध देते हैं। अभी ये दोनों भी उड़ गए ना तो फिर देखिए मैं दोनों बलून जॉइंट कर दिए। क्या इनको कभी कोई हिला सकता है? क्या बलून को कोई हिला सकता है? देखिए हिलना चालू, हवा नहीं चल रही, बलून हिलना चालू, बलून हिल रही है। क्या कोई बलून फोड़ सकता है? एक बलून फोड़ सकता है। अगर आप एक बलून फोड़ देंगे तो मान जाएगी यहाँ पर कोई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है बारिश के कारण, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। पता सच है कि यहाँ पे कोई है जो बलून को हिलाया, एक बलून तोड़ा और अलग हुए। हमने दो बलून को एक पर बांध दिया है। अभी क्या कोई है जो बलून को दोबारा हिला के दिखा सकता है? एक साथ उनको लेके देखे जा सकता है उधर। भी कोई हलचल नहीं हो रही। हिला हिला हिला, दोनों साथ में जा रहे हैं। प्रे
क्योंकि हवा भी एक भूत का आकार होती है, भूत प्रेत भी एक हवा का आकार होते हैं। जो बलून है वो उसके अंदर भी एक हवा भरी हुई है। मैं जैसे बोलता हूँ उसी तरीके से बलून अपनी गति की एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पे चले 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 दोनों साथ में चले, चले गए। हम दूसरे आपसे एक मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, मोस्ट ब्लॉग में। जब तक ये दोस्तों मेरे